फाइनली पहुंच चुके हैं हम सुल्तानगंज और देख सकते हो यहाँ का मौसम कैसा है। ठंड लग रही है एक तो बहुत तेज, और ऊपर से अमन को देखो रास्ते भर उल्टी करता हुआ आया है। इसीलिए कहता हूँ कम खाया कर, लेकिन नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अमन ने उल्टी नहीं की है। हालत तो मेरी ख़राब हुई है रास्ते में, और किसी की नहीं हुई है, पूछो मत। बस व्लॉग कैसे शूट कर रहा हूँ मुझे ही पता है, और ठंड भी लग रही है और बनियान में आ चुका हूँ, कपड़े वपड़े सब खोल दिए हैं। और नदी किनारे हम हैं अब स्नान करने के लिए सुल्तानगंज में, और कुछ दिख नहीं रहा है इधर, और देखते हैं कब तक ये फॉग हटता है। लेकिन हम तो जब तक बहुत आगे पहुंच चुके होंगे पहले सुल्तानगंज से। जल उठाते हैं, मेरे साथ में है बुआ जी, हैं बड़ी मम्मी, हैं मामा, हैं अमन है, बाकी और कोई आया नहीं, क्योंकि गाड़ी में एडजस्ट होते भी नहीं, क्योंकि कम स्पेस है बहुत गाड़ी में, और लगेज भी हमारे साथ। तो फटाफट अब स्नान करते हैं, फिर यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और जल लेते हैं, और पहुँचते हैं अपने बाबा धाम। स्नान ध्यान करके अपनी गाड़ी के पास आ चुके हैं, सब रेडी हैं, जल भी भर लिया है हमने, और थोड़ा सा मौसम भी अब जो है खुल गया है, फॉग थोड़ी सी हट रही है, धीरे धीरे सूर्यदेव के भी दर्शन होने लगे हैं। देखो थोड़ा सा है मौसम ख़राब यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, दिल्ली में तो इतना नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, इसको कहते हैं ना, आने में 3 घंटे लग गए घर से, सोच सकते हो। तो अब यहाँ से निकलते हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, जल अर्पण करेंगे, फिर वहाँ से एक और डेस्टिनेशन हमें कवर करनी है। बाकी आप तो वीडियो में बने हुए, आपको पता चलता ही रहेगा कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हर हर महादेव। फाइनली वी आर हेयर बाबा धाम की नगरी, और ये है गंगा कुंड। आप यहाँ पे स्नान ध्यान कर सकते हो, जल वल लेना हो किसी को यहाँ से गंगा कुंड से तो जल भी ले सकते हो। और ये है बाबा की नगरी देवघर, कुछ ऐसा अभी नज़ारा है। वैसे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता है, लेकिन अभी नहीं है, अभी तो मंदिर में प्रवेश करेंगे तब आपको दिखाऊँगा। अभी एक भैया आ रहे हैं, फिर वो हमें यहाँ से रिसीव करेंगे, फिर हमें ले जाएंगे मंदिर में पूजा पाठ करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे यार बहुत भीड़ रहती है, मगर उनके तो यहाँ पे काम ही नहीं हो पाएगा। तो पहले उनसे हमने बात कर लिया था, तो अब वो आएंगे फटाफट, हम यहाँ से चलते हैं। ये हैं हमारे भ्राता श्री पिट्टू भैया, आपको इनसे ही मिलवाएंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव की नगरी में प्रवेश कर चुके हैं, और सब अपना अपना जल लेके चल दिए हैं, माता जी, बुआ, बड़ी मम्मी, बाबा की नगरी में मामा आ गए हैं, और मेरा जल मेरे हाथ में, अभी एक जल और रखा है, आपको वहाँ भी दर्शन करवाएंगे महादेव के, अभी वो भी जगह दिखाएंगे आपको, अभी तक किसी ने दिखाया नहीं होगा आपको ब्लॉग में, आपको वो ब्लॉग भी शूट करके दिखाएंगे हम। क्राउड देख लो कितनी है, अभी तो हम आके साइड में खड़े हैं, हम एक पंडित जी ने साइड में खड़ा किया हुआ है, अब बाकी भीड़ देखो कितनी है दर्शन करने के लिए। महादेव के दर्शन करके हम सब चले हैं माता पार्वती के दर्शन करने के लिए, बहुत ही भीड़ है भाई, बहुत ही भीड़ है, माता जी सब ये सब जा रहे हैं, और अपना भी दर्शन हो चुका है, जल भी बचा हुआ है, अब माता पार्वती के दर्शन करेंगे, फिर उससे आप उसके बाद आपसे मिलता हूँ। फाइनली महादेव के दर्शन हो चुके हैं, सारे मंदिर के भी दर्शन कर लिए हैं, एक एक मंदिर घूमने काफ़ी टाइम लग गया, माता जी बस लास्ट मंदिर से पूजा करके आ रही है, बूढ़े बुजुर्ग के साथ थोड़ा सा धीरे चलने में सही रहेगा, क्योंकि उनको पीछे छोड़ दोगे तो भीड़ भाड़ में कहीं इधर उधर हो जाएंगे,
तो बड़ी मम्मी भी थी, उनको भी प्रॉब्लम है चलने फिरने में। बुआ जी हैं, माता जी हैं हमारी, माता जी तो चल फिर लेती हैं, इनको तो हम अपने साथ ही ले गए थे एंट्री करने, और वीआईपी एंट्री से हमारा काम हो गया। वैसे तो होना नहीं चाहिए था, लाइन में बहुत भीड़ थी यहाँ पे, बस हर हर महादेव जैसे दर्शन हो गया वैसे कर रहे हैं। यहाँ पे पूजा पाठ हो चुका है हमारा, हम चलेंगे बाबा वासुकीनाथ, वहाँ के भी आपको दर्शन करवाएंगे, मैं भी दर्शन करूँगा, आप भी मेरे साथ दर्शन करेंगे, बहुत ही मनोरम दृश्य हो जाएगा, बहुत ही मज़ा आएगा वहाँ पे दर्शन करने में। तो वहाँ पे तो और इससे भी ज़्यादा भीड़ रहती है, वहाँ की तो एक अलग ही स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल पहुंच चुके हम बाबा वासुकीनाथ के दर्शन करने के लिए, फिर से हमने अपना जल ले लिया है और नगर की तरफ बढ़ते हुए बाबा के दर्शन के लिए, मंदिर की तरफ, मंदिर प्रांगण की तरफ। मामा और अमन तो बहुत आगे निकल चुके हैं और मैं और मम्मी, बुआ और बड़ी मम्मी पीछे ही है, बाकी महादेव के दर्शन करने आए हैं। ऐसी अनुकंपा हर किसी को नहीं मिलती है, फटाफट यहाँ से दर्शन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगता है, उसके बाद आपको दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे। और ये है एक और कुंड जिसकी अमन बीच में सट, इसकी भी एक रहस्यमयी कहानी है। इसके अंदर भी भोलेनाथ हैं और माता पार्वती है, और ये साल में कई सालों में एक बार ये कुंड साफ होता है, ठीक है। और पाताल महादेव कहते हैं, पाताल महादेव और माता पार्वती इसी में विराजमान है, और जब इसकी सफाई होती है तब जाके इसमें जो भीड़ लगती है दर्शन करने के लिए, पूछो मत, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है उसको दर्शन करने के लिए। मैंने भी बोला है चाचा जी को और भैया सबको भी, अगर कभी मौका मिलेगा ऐसा मामा जी को भी, तो यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आएंगे पाताल महादेव जी के। सो यहाँ पे भी हमने बाबा वासुकीनाथ के दर्शन कर लिए, यहाँ पे सब अच्छे से हो गया, मनोकामना पूर्ण हुई, महादेव जी के दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा लगा। सुबह से उठे 4 बजे से ही, यहाँ पहले बाबा धाम गए, फिर वासुकीनाथ आए, मन प्रसन्न हो गया प्रफुल्लित, और दर्शन करके महादेव जी के तो मज़ा ही आ गया। सारा मंदिर यहाँ पे, एक एक सब मंदिर में पूजा पाठ, अगर आप आते हो तो सब मंदिर में जाना, इसी तरह सुल्तानगंज से जल उठा लेना अगर जाते हो तो, अगर सुल्तानगंज से जल नहीं लेते हो तो यहाँ पे आके आपको जल लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, फूलमाला खरीदना पड़ेगा। हमने तो यहाँ पे एक पंडित जी को बात की, उनसे तो उन्होंने सारा हमें दर्शन करवा दिया, वो बाबा धाम में देवघाट में, लेकिन वासुकीनाथ में हम आए अपने से, यहाँ पे सारा दर्शन हुआ, हम वहाँ से ऑलरेडी सुल्तानगंज से हमने देखा था, हमने जल उठाया था, वहाँ से जल लेके आए थे, यहाँ पे हमने जल अर्पण किया, बाबा धाम में भी जल अर्पण किया, और बाकी यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं सब मंदिर में हमने जल अर्पण किया है, सब में पूजा पाठ की है। तो आप आओ तो ये नहीं कि आप सिर्फ बाबा के दर्शन करके चले जाएं, ऐसा मत करना, सारे मंदिर जितने भी हैं देवी देवता सबको यहाँ पे आके पूजा करना, आरती करना, बस और कुछ नहीं, बस बाबा का ध्यान करो, सब मनोकामना पूर्ण होगी।
ले रहे हैं अब यहाँ पे प्रसाद। मुझे पता नहीं खांसी क्यों स्टार्ट हो गई। और अब यहाँ से आगे का प्रोग्राम क्या होता है अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। अब थोड़ा सा भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद फिर आगे की यात्रा का क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम जो भी सेट होगा हम आपको बताएंगे ज़रूर। फिलहाल तो प्रसाद ले रही है मम्मी से वहाँ पीछे, जरा सा बैठे हैं एक भोजनालय में, यहाँ पे भोजन ग्रहण करते हैं। और प्रोग्राम ये है अब हमारा, यहाँ से अब सीधा निकलेंगे तारापीठ भोजन पानी करने के बाद, और रात में वहीं पे स्टे होगा और अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे हम आरती वगैरह ज्वाइन करेंगे। बात हो चुकी है वहाँ पे भी पंडित जी से, सब कुछ सेट है, बस यहाँ से हमें जाना है, वहाँ पे नाइट स्टे करनी है और सुबह उठ के दर्शन करने हैं माता जी के, और फिर अपना वापस तीसरे चौथे डेस्टिनेशन की ओर। वो हिडन डेस्टिनेशन है, आप बने रहें वीडियो में। हम पहुंच चुके हैं माँ तारापीठ, देख सकते हो यहाँ की चमक धमक। आप फिलहाल ये मार्केट एरिया है पूरा, मतलब ये मंदिर की वजह से पूरा जो एरिया है ना बहुत ही चमका हुआ है। होटल ही होटल है इस लाइन में, एक से एक होटल आपको मिल जाएगा, 3 स्टार 2 स्टार 5 स्टार। 5 स्टार नहीं भी बोलोगे तो हाँ, लेकिन था एक होटल पीछे की साइड, पीछे की तरफ एक होटल था। होटल जो था वो बेसिकली 4 स्टार 5 स्टार कह सकते हो, बेसिक होटल था, मतलब अच्छा खासा होटल था वो देखने लायक। और यहाँ का दृश्य देख के ना भाई मज़ा आ गया, काफ़ी रौनक है यहाँ पे। थोड़ा सा वॉकिंग ज़्यादा ही, 1 किलोमीटर मान लो हमारे यहाँ से आश्रम है, आश्रम में रुके हुए हम सब, बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मूड जो होता है ना फ्रेशमेंट मिल गई है, रास्ते में ट्रैवल कर करके थक गए थे, बीच में ट्रैफिक मतलब रोड भी बेकार सी थी बंगाल घुसते ही, बाकी झारखंड और बिहार में तो रोड ठीक ठाक ही थे। सो हमें फाइनली ढूंढते ढूंढते एक शुद्ध वेज जिसको कहते हैं शाकाहारी रेस्टोरेंट मिला है, वो है ये सामने आपको दिख रहा होगा, शुद्ध शाकाहारी खाना। अब यहीं पे भोजन करते हैं, उसके बाद फिर वापस कमरे पे जाएंगे। बहुत भीड़ है भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नॉर्मल डेज में इतनी भीड़ हो और जब फेस्टिवल का टाइम होगा तब कितनी भीड़ होगी। खाना जो था काफ़ी स्वादिष्ट था, मज़ा आ गया खाना खा के, शुद्ध शाकाहारी खाना। जो आप वहाँ पे देख रहे हो लोगों को बैठे हुए खड़े हुए, बेसिकली वहाँ पे हवन हो रहा है, तंत्र विद्या की साधना, माता को प्रसन्न करके शक्ति प्राप्ति की जो प्रक्रिया है वो वहाँ पे हो रही है। बाकी आपकी कोई मनोकामना है उसके लिए विधि विधान करना है, को हवन वगैरह करना है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। सब वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये मंदिर का प्रांगण है। अभी मंदिर में हम मेन प्रवेश नहीं किए, मेन एंट्री तो दूर है थोड़ा सा यहाँ से, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बस बताने दिखाने आया हूँ कि यहाँ पे जो शक्ति देखते हो ना, अघोरी सब बैठ के पूजा करते हैं, कई बड़े बड़े सिद्धि प्राप्ति काले होते हैं, वो सब चीज़ें यहीं पे होती है। तो अब जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए, नहा धो के रेडी हो चुके हैं सब, मामा पहले बाहर जा चुके हैं, और ज़रा ताऊ जी का कॉल आ गया, ज़रा कॉल अटेंड कर लो पहले। तो पंडित जी हमें मिल चुके हैं, मामा के साथ जा रहे हैं आगे आगे। और जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई हमारे गांव का या फिर हमारे शहर का मतलब आसपास के एरिया का कोई ना कोई मिल ही जाता है। अभी ये जैसे नानी के घर के हैं, मामा जानते हैं इनको, और वहाँ पे भी गए थे तो वहाँ पे भी एक भैया थे, वो भी जान पहचान के थे, उन्होंने वहाँ पर जानकारी करवा दी थी, तो वहाँ पर बाबा धाम में भी पूजा जल्दी हो गई थी हमारी। और अब यहाँ पे भी हम जा रहे हैं इनके साथ, पूजा पाठ करेंगे आराम से। और वहाँ पे बहुत भीड़ अभी पता चला हमें, नॉर्मल लाइन जो है बहुत भीड़ रहती है, रात तक ही नंबर नहीं आता, बाकी देखते हैं क्या होता है। कुछ इस तरह का होता है डाला हमने लिया हुआ है, जो टिकली नहीं चढ़ता है, यहाँ पे सिंदूर है, अगरबत्ती है, अलता है, कुंडी है, फूल है,
और बाकी पंडित जी आगे चल रहे हैं, एक ये भी पंडित जी हैं। अब देखते हैं कितने देर में हमें दर्शन मिलता है। बाकी बने रहे वीडियो में, मेरे को भी मतलब एक्साइटमेंट है, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। क्या है माता रानी के बारे में मैंने भी पढ़ा है बहुत चीज़ें, अब वामदेव जो उनके परम भक्त थे उनके बारे में पढ़ा है। बाकी आपको वीडियो में सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्या है कैसे है क्या रहस्य है यहाँ का, देवघर का क्या था, बासुकीनाथ का क्या था, छोटा छोटा मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। बाकी और रिसर्च कर सकते हैं आप गूगल वगैरह पे। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, एक्सप्रेस लाइन से आए तब भी यहाँ पे भीड़ बहुत है। ये हमारी पर्ची कटी है यहाँ पे 300 रुपीज़ की। बाकी क्राउड है, पीछे तो और लंबी लाइन है, यहाँ तो फिर भी कम है। ये है यहाँ पे कुंड और ये बंगला भाषा में कुछ लिखा हुआ है जो कि मुझे पढ़ने में तो नहीं आ रहा है। बाकी इसको बंगला भाषा आता हो पढ़ने के लिए भाई पढ़ लेना और ट्रांसलेट कर लेना। कुंड है यहाँ पे और ये नॉर्मल लाइन लगी हुई है, तो काफ़ी पीछे से लाइन लगी हुई है, मैंने जैसे आपको बताया था देख सकते हो। और VIP वाली लाइन तो अलग ही थी, दो VIP, एक सेमी है और एक अलग से है जो कि मंदिर के मतलब जस्ट पास से ही आपको एंट्री कराएंगे, और दूसरा यहीं से एंट्री होती है लेकिन वो लाइन अलग ही रहती है। तो यहाँ पे माता को भोग लगता है, देख सकते हो आप इस तरह कभी कभी भोग लगता है यहाँ पे, अलग अलग तरीके से भोग लगता है, जिसकी जो मनोकामना होती है उस तरीके का भोग लगाया जाता है यहाँ पे। और सबसे पहले एंट्री करते ही आपको माता का चरण मिलेगा, उस पर अपना सिर झुकाओ, फिर आगे जाओगे तो माता के अंदर प्रतिमा है, वहाँ पे अपना फूल वूल चढ़ा सकते हो, आप बाहर भी चढ़ा सकते हो, लेकिन वहाँ पे रुकने नहीं दिया जाएगा आपको, बस मत्था टेको, आशीर्वाद लो और निकलो। रुकने का बिल्कुल भी जरा सा भी देखने का भी टाइम नहीं मिलेगा, एक झलक देखने को भी नहीं मिलेगा माता की, इतनी भीड़ है। दूसरी तरफ का एरिया है यहाँ पे, ये मार्केट वाला एरिया है, यहाँ से भी एंट्री कर सकते हो आप, मेन एंट्री यहीं से है। वो दूसरे बैक साइड वाला एक और रास्ता था जो मैंने आपको रास्ते में दिखाया था, यहाँ से भी एंट्री कर सकते हो। और यहाँ से आपको फल वल खरीद, फूल माला जो भी लेना हो, दुकानें हैं यहाँ से ले सकते हो, हमने तो यहाँ से लिया था। आप आओ तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, यहीं पे पंडित जी भी रहते हैं, ये पंडित जी हैं जिन्होंने हमें दर्शन करवाया था, पूजा करवाया था, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और नाम आपने देख ही लिया, आप आओगे तो मेन रोड से अंदर आना है आपको, यहाँ से आप आके इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और दर्शन के लिए पूजा पाठ ये करवा देंगे आपको। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस घर की ओर, माता जी सब यहाँ पे झाल मुड़ी बनवा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा ही झाल बनवा रही हैं, देखो कोलकाता का झाल मुड़ी। और ये है मेन रोड जो कि मंदिर की तरफ उधर जा रहा है, और जहाँ पर हम रुके थे वहाँ से जस्ट 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है मंदिर के लिए, वहाँ से आप मंदिर जा सकते हो। उसके भी 2 एंट्रेंस हैं, आप कहीं से भी जा सकते हो, बैक साइड से भी फ्रंट साइड से भी। हम पीछे से एकदम घूम के गए थे दूसरी तरफ से जहाँ पे पंडित जी हमें मिले थे, और आप अगर फ्रंट से भी जाओगे तो पहले ही आप बातचीत कर लेना अपना पंडित जी यहीं पे सेट कर लेना, क्या है फूल माला जो भी प्रसाद लेना उनसे ही बात कर लेना, सारा चीज़ पूजा वूजा सब कुछ अंदर ले जाके अच्छे से वो करवा देंगे। बट वही है, लेकिन पहले ही आप मंदिर में घुसने से पहले ही वो सारी चीज़ें ना सेटिंग कर लेना तो वो आपके लिए सही रहेंगे। और होटल वगैरह अगर लेना हो तो एक से एक होटल है यहाँ पे रुकने के लिए, आप मेरे बैक साइड में भी देखो तो ये भी एक होटल है, और भी बहुत सारे आगे अच्छे अच्छे होटल्स हैं। मैंने रात में भी बताया था आपको, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार इवन 5 स्टार वैसे कह सकते हो 5 स्टार बट है नहीं है, 2 स्टार 3 स्टार तक, 2 स्टार 3 स्टार है, ओके है, देख सकते हो आगे एक और बहुत अच्छा होटल है आगे, दिखने में अच्छा है, सर्विस भी अच्छी होगी तो जानते हो मनी भी ज़्यादा ही लेंगे फिर तो अपने बजट में आओगे तो आ जाना। बाकी हमारा जो ट्रिप था अब उसका डिस्कशन कर लेते हैं कि हम कैसे आए, हमारा कितना खर्चा लगा है अभी तक का, वो सारा डिस्कशन मैं घर पहुंच के आपसे करूंगा। बाकी आप बीच में हमसे बने रहें, अब जब तक अब नाश्ता कितना करते हैं, नाश्ता आ चुका है हमारा, ये कुछ इस तरह का झालमुड़ी आपको दिखाया है मैंने, और भूख भी लग चुकी है क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, कल सीधा एक बार बस वही वहाँ से बाबा धाम से निकले थे तो अपना खाया पिया था, और उसके बाद सुबह से फिर पूजा पाठ में ही भीड़े पड़े। बाकी अब पेट को भी तो कुछ चाहिए ना भोजन, तभी तो आगे काम बनेगा। एक चीज़ तो और जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो है लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि बंगाल का एरिया है ये,
तो सब यहाँ पे बंगाली बोलते हैं, तो हिंदी मतलब थोड़े जो लोकल हैं यहाँ के वो थोड़ा समझते नहीं हैं हिंदी, तो फिर आपको बंगाली में ही जवाब देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको समझ में भी आ जाएगा क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। मोस्टली नहीं है, 50% कह सकते हो, 50% है 50% नहीं है 50, क्योंकि ज़्यादातर लोग बंगाली बोलते हैं यहाँ, ज़्यादातर लोग यहाँ पे बंगाली बोलते हैं, और क्योंकि बिहार से भी हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, तो वो भी बंगाली बोलते हैं, तो उनको समझ में आ जाती है, तो उनसे हम ट्रांसलेट करके पूछवा लेते हैं क्या है इसका मतलब, क्या बोल रहे हैं। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं, अप्रॉक्स 12:30 बज गए हमें से, हम यहाँ से निकलते निकलते ही 12:23, तो 12:23 वही 12:30 हो गए, 12:30, तो मान लो कि तकरीबन हम रात में 8-9 बजे तक घर पहुँचेंगे। अब डिस्टेंस लगाओ हम कितना कवर करेंगे, वो भी नॉन स्टॉप चलेगी, तब नॉन स्टॉप चलेगी, तब अगर बीच में नहीं ब्रेक लिया तो हो सकता है 10 भी बज जाए। हाँ, और वैसे तो मैंने सारा खाने पीने का भी सामान ले लिया था, चिप्स कॉफ़ी नमकीन बिस्किट सब मम्मी सब के लिए, ताकि खाते पीते रहें अपना मौज मस्ती करते रहें अपनी गाड़ी में, मैं और भी। तो अब आप ज़रा सा यहाँ से टाइम लैप्स का मज़ा लीजिए। अभी ऐसे एंजल मसीह बात कर रहे थे सबसे। सो फाइनली देखो हमारा ने जो टाइम लगाया था एस्टिमेट वही टाइम हुआ 7 PM, और उसी टाइम में हम पहुँचे वहाँ। अप्रॉक्स 8 घंटे लग गए हमें माँ तारापीठ से यहाँ पे अपने घर गांव नरकटिया पहुँचने में। तो भाई जर्नी हमारी बहुत ही अच्छी रही, माता के दर्शन भी किए सुबह सुबह, तो सबसे पहले हमने महादेव के दर्शन किए, उसके बाद रात्रि में वहाँ पहुँचे माँ तारा पे, जैसा कि आपने देखा ही माँ तारा के दर्शन करके 8 घंटे का ट्रैवल करके भाई पहुँच गए घर। और इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं, और जो भी ज़्यादा जानकारी चाहिए आप थोड़ा सा और रिसर्च करना, ठीक है, बाकी मैंने सारा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर ही दिया है सबकी डिटेल थोड़ी थोड़ी सी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना, और माँ तारा लिखना भूलना मत, और हर हर महादेव भी लिख देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।